गुलबर्गा शहर में आज एक प्रोटेस्ट किया गया। जगत सर्कल के सामने ये प्रोटेस्ट किया। DSS मेंबर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट करने की वजह बताई जा रही है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून पास किया है जिसके चलते आज ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज उस कानून के बिल को इन्होंने आज जगत सर्कल पर जलाया और अपने गुस्से का इजहार किया। यह प्रोटेस्ट DSS मेंबर्स की तरफ से पूरे कर्नाटक में किया जा रहा है, ऐसा इनके लीडर्स बता रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें न्यूज़ टाइम गुलबर्गा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय कर्नाटका। आज 26 डेट है। आज इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, आज ही सबमिट करे सो दिन है। बाबा साहब अंबेडकर ने हर एक जात के लिए समानता, सहोदरता और इक्वालिटी के बारे में किसी को भी अन्याय नहीं करे कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिख के ऑल इंडिया में जितने भी लोग हैं सब लोगों को इक्वालिटी दिया और आज सबमिट करे सो दिन है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज क्या ऑर्डर पास किया बोले तो, ये जो प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था था, बोले तो इक्वालिटी था, वेद काल में ही था, अब नहीं, वेद काल में ही था। इसलिए आप क्या करना, इंडिया के लोग क्या करना बोले तो, ये प्रजाप्रभुत्व दिन बोल के ऑल इंडिया में ये डे मनाना, समर्पणा दिन बोल के नहीं मनाना। प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था जो था वेद काल में ही था, उसी दिन ऑल इंडिया में ये दिन मनाना बोल के बोले तो लोगों में गलत फहमी होना, हिस्ट्री गलत होना। कैसे बोले तो, वो बुद्ध जन्म दिए सो दिन बुद्ध नखा बोल के पोखरान में बम उड़ाया, बोले तो लोगों का दिमाग हटाने के लिए, दिमाग लोगों का व्यवस्था विचार जो हटाने के लिए। और दिसंबर 6 जो है बाबा साहब अम्बेडकर गुजरे सो दिन है, बोले तो डेथ एनिवर्सरी, महापरिनिर्वाण देना। उस दिन क्या किया, उस दिन बोले तो बाबरी मस्जिदी ध्वंस किया। बोले तो इंडिया में जितना भी लोग है उनका माइंड डाइवर्ट करना। दिसंबर 6 क्या था, दिसंबर 6 बोले तो बाबरी मस्जिदी ध्वंस करे सो दिन, उड़ाए सो दिन है, लोगों का दिमाग में आना। और पोखरान बुद्ध का बुद्धा नक्का बोल के पोखरान में वो दिन होना। आज संविधान समर्पण दिन जो है ये लोगों की दिमाग से हटाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ये प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था वेद काल में ही था वो दिन धूमधाम से मनाओ बोल के एक ऑर्डर पास किया। इसलिए हम ऑल DSS वाले कर्नाटक में जितने भी ऑल DSS वाले हैं सब मिलके
एक दलित संघर्ष समिति का चालना समिति बोल के बना के वो जो प्रति है वो प्रति आज जला रहे हम विरोध कर रहे, वो वापस ले लो आप, वो नहीं चलता। आप कितना भी लोगों के दिमाग में गलत फहमी फैलाओ, लेकिन हम चुप रहने वाले नहीं है। सच सच्चे होता, झूठ झूठी होता बोल के हम बोलने के लिए ये मंजूर। मेरा नाम सुरेश आदिमनी, DSS के लीडर हूँ। केंद्र में गवर्नमेंट सरकार, आज BJP सरकार, आज बाबा साहब अंबेडकर लिखे संविधान का संविधान समर्पण दिन है। पीछे 6 साल यही सरकार सब DDPI ऑल इंडिया को संविधान समर्पण दिन करना बोल के एक ऑर्डर करे थे। ये साल क्या करे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वो ऑर्डर पास करके एक ये प्रजाप्रभुत्व पहले क्या मनुवादता जब से है, एक क्या प्रजाप्रभुत्व है, ये प्रजाप्रभुत्व संविधान जारी होने के बाद नहीं आया, पहले भी आया सो है, ऐसा बोल के एक संविधान का ये एक आर्डर पास करे सो है। इसलिए आर्डर हम वो कोमवादी BJP सरकार वो गलत कर रहे, ये क्या सेकुलरिज्म क्या है वो खत्म करने के लिए वो लोग सोच रहे, इसलिए वो आर्डर 9 तारीख जो आर्डर करे थे सेंट्रल गवर्नमेंट वो जला के हम आज वो संविधान समर्पण दिन करना, वो तुम के जो लाया वो आर्डर गलत है बोल के हम आज कर्नाटक में पूरा आल डिस्ट्रिक्ट में बेंगलुरु में आज उनका आर्डर जला के ये प्रोटेस्ट कर रहे, आर्डर क्वास करना बोल के हमारा डिमांड है। यहाँ सब लोग अर्जुन बद्रे, सुरेश आदिमणि, कल्लूर अर्जुन गोबरु बहुत लोग लीडर्स यहाँ आके जमा होके आज समर्पण दिन करते करते बाबा साहब अम्बेडकर को फूल माला चढ़ा के हम वो आर्डर क्वास करने का एक प्रोटेस्ट करे सो है। ये सब ये नहीं चलता, ये गवर्नमेंट नहीं चलता, ऐसा वापस लेना बोल के हमारा डिमांड है। मेरा नाम है मरियप्पा हल्ली, DSS स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कन्वीनर।